क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स। पोएट्री सेक्शंस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमारा चैप्टर है स्नैक, जो कि DH लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि DH लॉरेंस का जन्म 1885 यानी 1885 में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 1930 यानी 1930 में फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर के समरी को पढ़े। इससे पहले इस समरी के अंदर आने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग को एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि आपके सामने ऑलरेडी दिख रहा है। तो फर्स्ट वर्ड है समर, SUMMER, समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। स्टेयर, स्टेयर मीन्स सीढ़ी। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मीन्स दिक्कत करना या तकलीफ देना। होल, होल मीन्स छिद्र या बिल। साइलेंटली, शांतिपूर्वक। सडनली, अचानक। अटैक, हमला करना या आक्रमण करना। वर्ल्डली, वर्ल्डली मीन्स सांसारिक, दुनियादारी। लेसन, सबक, पाठ। अबाउट, के बारे में। फील, महसूस करना। एशेम्ड, शर्मिंदा या शर्म। मिस्ड, चूक जाना। मीट, मीट मीन्स मिलना। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग थे इस चैप्टर में आने वाले। अब आगे हम लोग समरी को देखते हैं। ओके, द पोएम स्नैक हैज बीन कंपोज्ड बाय DH लॉरेंस। ये कविता स्नैक DH लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। दिस इज ए नाइस पीस ऑफ वर्क ऑफ लॉरेंस। यह लॉरेंस साहब की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। अब चैप्टर की ओर आते हैं, इसमें क्या कहानी है वो देखते हैं इस पोएम में। इट वॉज हॉट समर, ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, काफ़ी गर्मी का मौसम रहता है और चैप्टर का नाम है स्नैक, तो इसी से पता चल रहा है कि इस पोएम में स्नैक से रिलेटेड कोई ना कोई बात कही गई होगी और गर्मी के मौसम में तो सांप निकलते ही हैं। द पोएट लुक्स ए स्नैक व्हेन ही कम्स डाउन द स्टेयर्स टू ड्रिंक वाटर। द पोएट लुक्स, कवि देखते हैं अ स्नैक, एक सांप। व्हेन ही कम्स डाउन द स्टेयर, स्टेयर्स मीन्स क्या होता है, सीढ़ी। जब वह सीढ़ी से नीचे पानी पीने के लिए कवि नीचे आते हैं तो उसी समय कवि एक स्नैक को, सांप को देखते हैं। ही थिंक्स, उन्हें लगता है दैट कि द स्नैक हैज कम टू ड्रिंक वाटर। ही थिंक्स दैट द स्नैक हैज कम टू ड्रिंक वाटर, उन्हें ये लगता है कि सांप पानी पीने के लिए आया है। सो ही डज नॉट डिस्टर्ब द स्नैक, इसलिए वह सांप को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो ही डज नॉट डिस्टर्ब द स्नैक, इसलिए वह सांप को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि सांप पानी पीने आया है तो आराम से पीकर चला जाएगा, बस ये एकटक खड़े होकर उसे देखते रहते हैं। द स्नैक ड्रिंक्स वाटर एंड स्टार्टेड टू गो इन टू द होल। द स्नैक ड्रिंक्स वाटर एंड स्टार्टेड टू गो इन टू द होल। सांप पानी पी लेता है और अपने बिल में वापस जाने लगता है। द पोएट लुक्स ऑल दैट साइलेंटली, द पोएट ओनली लुक्स ऑल दैट साइलेंटली, और कभी इन सारी चीज़ों को केवल चुपचाप खड़े होके आराम से देखता रहता है। सडनली, अचानक से, ही अटैक्स ऑन द स्नैक। सडनली ही अटैक्स ऑन द स्नैक, और अचानक से वह सांप पर एक डंडा उठाता है और उस पर अटैक कर देता है, हमला कर देता है। एज ही वॉज टॉट द वर्ल्डली लेसन, जैसा कि उसने सांसारिक दुनिया में सबक सीखा था, कवि को ऐसा सबक सिखाया गया था अबाउट द स्नैक। फिर से रिपीट कर दूं मैं इस लाइन को, सडनली ही अटैक्स ऑन द स्नैक एज ही वॉज टॉट द वर्ल्डली लेसन अबाउट द स्नैक।
जैसा कि कभी को सांप के बारे में दुनिया में लोगों ने सिखाया था कि सांप मीन्स क्या, डेंजर, खतरा, मारो, पॉइजन, काटने पर आदमी मर सकता है। तो इन सारे डर को देखते हुए अचानक से कवि के मन में क्या सूझा कि सांप पर फिर से हमला कर दिया और सांप फिर धीरे धीरे खिसक करके वह अपने व्हील में वापस चला जाता है। Now the poet feels ashamed। और जब सांप चला जाता है तो कवि को अब शर्मिंदगी महसूस होती है। And missed the chance to meet the king of the world। और उन्हें लगता है कि सांप दुनिया का, संसार का एक राजा है जिससे मिलने का चांस खो गया, क्योंकि सांप को देवताओं के रूप में भी पूजा जाता है। तो कवि को लगता है कि मैंने ये चांस खो दिया मिलने का, और जब सांप चला जाता है तो उसे अफसोस आता है। तो यही इस चैप्टर में था स्नैक, ये चैप्टर का समरी था। तो आज इस चैप्टर को समझ लीजिए, फिर से इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए स्टोरी को क्या है इस चैप्टर में, और कल इसका फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोगों को तैयार रहना है और आंसर देते रहना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।